इटालियन और ये सब इतने जो लैंग्वेज है वो कहाँ से सीखी है? सर कोई गाइड सिखाने वाला नहीं है, बचपन से यहाँ पैदल रह रहे के यहाँ चाय का स्टॉल था। अच्छा, माता जी थी। जस्ट लाइक मोदी जी, यू आल्सो रोज फ्रॉम द चाय का स्टॉल। चाय स्टॉल, यस, सेम थिंग। इंटरनेट पीस, दिस इज़ आर बी 15 एंड आज जो है वो मैं आया हूँ ग्वालियर में, जो दतिया से लगभग 75 किलोमीटर दूर है, और मैं आया हूँ मेरे भाई के साथ में, और ये रुद्रांश है। अभी हमने एक गाइड को लिया है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड टेक अ गाइड, और आप कभी भी कोई ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वाली जगह पर आएँ तो गाइड ज़रूर लें। इसकी स्टोरी ये है, यहाँ ये संगीत कर रही है, म्यूजिक रूम, यहाँ पे म्यूजिशियन बैठते थे नीचे। अच्छा। और यहाँ पर रानियाँ बैठती थी, आठ रानियाँ बैठती थी। वहाँ से रानियाँ क्या करती थी, संगीतकार को देख सकती थी, सो सकती थी। संगीतकार रानी को नहीं देख सकते थे, ऐसा नहीं है, ये संगीत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें ये डांस है ना, जाटिया डांस हो रहा है। अच्छा। तो गरबा, गरबा डांस बोलते हैं गुजराती में। अच्छा अच्छा। ये आठ रानी के ग्रुप में, सिर्फ आठ रानियाँ नीचे म्यूजिशियन को देखते, नीचे वाले म्यूजिशियन ऊपर रानियों को नहीं देख सकते। ये आप देख रहे हैं राजा का दरबार है, राज दरबार, जहाँ सवा लगते थे, यहाँ पर राजा के खास खास लोग होते थे। और यहाँ देखो रानियाँ होती थी, लाइन थी, आठ रानियाँ होती थी, और यहाँ राजा मानसिंह बैठते थे। राजा का दरबार है, दीवाने खास, तो यहाँ पे राजा की समस्या होती थी, जो भी रानी की प्रॉब्लम, घर की समस्या होती थी, उसको यहीं निपटा लेते थे। और यहाँ पे देखो लैंप होते थे मशाल लगाने के लिए, चार लैंप लगे मशाल, एक दो तीन चार। और ये देखो इसमें चेहरा देख रहे हैं हाथी का है, बॉडी देख रहे हैं शेर की है, पैर देख रहे हैं हॉर्स के हैं, गर्दन देख रहे हैं मगरमच्छ की है। हाथी की सूंड, हाथी बहुत पावरफुल होता है, घोड़े का पैर है, घोड़ा बहुत एनर्जी वाला होता है, शेर बहुत फुर्ती वाला होता है, मगरमच्छ बहुत माइंडेड होता है, मगरमच्छ की गर्दन है। ठीक है, ये राजा के समय का कलर देख रहे हैं, ये 500 साल पुराना कलर है, उसी टाइम का किया गया कलर है ये। अच्छा। फूल पत्ती से मिलके बना है, ओरिजिनल पेंट है, मीनाकारी। और ये देखो राजा का क्राउन बना हुआ है, कोट का डिजाइन। और ये देखो ये सन फ्लावर बोलते हैं। और ये रिंग देख रहे हैं उसी टाइम के लगे हैं, क्योंकि पहले समय में दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे लगा करते, पर्दों का ज़्यादा सिस्टम था। अच्छा। पर्दे लगाने के लिए। और ये सामने वाला कप देख रहे हैं, ये राजा का स्टडी रूम है, यहाँ राजा थे। 500 साल पहले लाइट तो होती नहीं, यहाँ से हवा और लाइट से उजाला होता था। और ये जगह, ये देखो लाइब्रेरी रूम है, किताब रखने के लिए। अच्छा। ये देखो तुलसी के पत्ते हैं, विष्णु जी का चक्र है, ये राजा का मंदिर है, मान मंदिर, इसका एक नाम है मान मंदिर। और ये ब्रह्मा विष्णु, ये बाकी रोड उनकी मन सब में आता था। ये सिंधिया से सिंधिया बड़ी किले से कभी लड़ाई हो गई तो राजा यहाँ से निकलने का रास्ता था गुप्त दरवाजे, गुप्त दरवाजे तो बंद कर दिए। ये बंद कर दिए, ये क्यों बंद कर दिए, आशिकों की वजह से? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें हादसे ना हो जाए। अच्छा। राजा पर संकट आया तो सभी रानी पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। ये आप देखें शार्दुल है ये। अच्छा, शार्दुल। हाँ, ये कैसे जाना है, ये काल्पनिक होता है, रियल में नहीं होता। ये घुंघरू का डिजाइन बने हुए हैं, ऐसे पता है, ये डांसरों का हॉल है, डांसिंग हॉल, यहाँ नाचना गाना होता था। और यहाँ रानियाँ बैठती थी, अंदर चार रानी साइड में, चार रानी ये बैठे देखे, इनमें समय कांच लगे थे, इसकी लाइट इस पर, इसकी लाइट पर, वो लाइट लेफ्ट पे जाती थी। और ये सनराइज का डिजाइन है, सूरज का डिजाइन है, चारों तरफ नीचे से जो यहाँ से लाइट टकरा के अंदर जाती थी वो ज्यादा करती थी, पहले 500 साल पहले लाइट का काम, सनलाइट से काम होता था। हजरे भाई हो शाहजहां का पूरा नाम था राम मनोहर पांडे। और यहाँ पे फ्लैग होते हैं, जब तक फ्लैग लगा है तब राजा की उम्मीद है आने की, बाद में अपना चेंज कर दिया। हाँ, चेंज कर दिया, बड़ी बड़ी वो धीरे लाई वाले अकबर का सर आजाद हो गए, इन्हीं के नाम से गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदे।
सामने देख रहे जेल है। ये 14वीं शताब्दी का बना हुआ है, ये वहाँ के रहने वाले थे कुंतल को, जहाँ पांडव की माँ की जन्म। और ये सामने मंदिर है, विक्रम मंदिर, मानसिंह के बेटे हुए हैं, नौ भी रानी थी। मतलब राजा को ऐसे टोटल नौ रानी थी, आठ रानी राजाओं की, नौ भी गुजर। ये देखो जहांगीर का है, ये साजा का है। साजा और जहांगीर आगरा और दिल्ली के रहने वाले थे, यहाँ शिकार चले आते थे, रुकने के लिए गेस्ट हाउस में। ये कुछ नहीं, महलनाओं भी रानी का महल घूमने मिल रहा है। राजा को पसंद आ गई थी, वो जंगल में जाते पानी बात करा रही थी, दो बहसों को डाल दिया। राजा बहुत छोटा नाम था नंगी, यहाँ पे बहुत सुंदर थी, पहली में लड़ाई में जाऊँगी, भैया मुझे बताओ कि जी मानसिंह तोमर का था ये, तुम रुद्रान सिंह तोमर हो, आपने सरदार देखे दादा दे दादा देखा सूर्यांश यहाँ पे कब कब आते कभी भी नहीं आते क्योंकि लवर पॉइंट है। पहले मैं भी यहाँ पे आता था लेकिन कभी हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करी इधर, तो तुम भी ऐसे आ चुके, हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करी आज तक नहीं की, क्योंकि यहाँ पे आजकल कपल ज़्यादा आते हैं, देख रहे हो आप सामने दिख रहा है पहाड़ काट के बनाया है पूरा पहाड़ का, जो सूर है वर्णन है उस पर लिखा हुआ है, भगवान की मूर्ति भी है, भगवान की मूर्ति के लेफ्ट हाथ पे लिखा हुआ है। एज यू नो कि जो इंडिया है उसका जो शून है, उसका जो ईजाद है, उसका आविष्कार इंडिया से हुआ है, वो इंडिया में हुई थी, उसका जो किसी भी जो एक शिलालेख है उसके ऊपर जो विवरण है वो केवल यही जो मंदिर है चतुर्भुज यहाँ पर है, मंदिर के अंदर ऐसी जगह होती है हिस्टोरिकल, वहाँ पर हमेशा वेडिंग फोटोशूट चल रहा होता है, जैसे कि मेरे पीछे चल रहा है, यहाँ भी आप आ सकते हैं गिम्बल लेके। अभी एक हमें छोटे जादूगर मिले, भैया नाम क्या तुम्हारा है? मेरा नाम मुन्ना माइकल। मुन्ना माइकल, तुम यहाँ ऊपर साइकिल से आए हो क्या? यहाँ ऊपर तक साइकिल से आए हो? पैदल। पैदल? अरे यार माइकल बिना साइकिल के अच्छा थोड़ी लगता है। और देखना है सर, एक जादू का डंडा है जो सरकार ने नाम में दिया है। अच्छा अच्छा। जमी पर, हथेली पर माटी को उठा लूं, बुलेट कॉइन बना दूं। अच्छा। देखो ये कॉइन है सेठ जी, असली एक नकली पकड़ लो, पकड़ेगा सर कटोरी में डाल दो। मैं गया सर मुंबई, गया वो तो मुंबई सर, कुछ नहीं लाया, तीन धोनी बकल लाया मुंबई से, ऐश्वर राय, रवि नटनाटन, हेमा माली, लाऊ सर सिक्का, ये क्या लटक रहा है देखना सर, पत्रों ने ला देना थोड़ी सी बम्बई, चली जाना भाग जाना, बम्बई गई उसमें नहीं है, बम्बई गई ये देखना दिल्ली जा रही है सर, आपके सामने कितनी डाल दी इसमें, कितनी डाल दी सर, दो डाल दी एक तुम्हारे वाले हाथ में, ये भी आ रही है, पूरे एक आ गई, दो आ गई, तीनों आ गई। देखो क्यों ये तुम ये सिक्के को इधर हाथ में इधर दबाते हो ना, है ना, इधर दबाते हो, दिखाओगे क्या? बता दूंगा, सभी रो बन जाएंगे, पिक्चर कौन देखेगा? नहीं वो सब पता, तो मुझे भी ऐसे दबाते हैं, लेकिन दबाना सीख गए तो क्या बात है, लेकिन दबाते तो यही होगा। दिस इज सहस्त्र बाहू मंदिर, यहाँ के लोकल हैं वो लोग इसको सास बाहू का मंदिर बोलते हैं, जो जो सहस्त्र बाहू जो शब्द है उसका अपभ्रंश हो गया है, वो सहस्त्र बाहू से सास बहू हो गया है, सहस्त्र बाहू का मतलब होता है इसकी सौ भुजाएँ। यू गाइज मस्ट हैव सीन अ बॉय जो कि ग्वालियर फोर्ट में था और ही कुड स्पीक अराउंड सेवन लैंग्वेजेस, वो जो बंदा है आई जस्ट मेट हिम। और गालू भाई आपका स्वागत है ग्वालियर किले में। एक्चुअली आई वॉज 6 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम नाउ 26 ईयर्स ओल्ड, and it's been almost 20 years 20 years and 20 years experience everything, okay, nobody teach for me any okay, languages, so you learn by yourself, our own self, okay, learning from own self. But I speak English, Italian, Spanish, French, German, Poland, Russian, Japanese, okay. So you speak Polish too also a little bit, not too much, not but too much, okay. So ahora porque mi hermanos venimos que el hablar el dos hermanos venimos fuerte de Guadalajara, el queremos vista del fortes más lugar, si yo explicando todas cosas él siempre bien, porque qué guapa él gusta tu fuerte, so I means you like in this food or no? Yeah, obviously I like it. So that wish you happy journey, buenas fortunas para ti, trabajo de la vida. Sí, he can speak Spanish.
जो इटालियन और ये सब इतने जो लैंग्वेज है वो कहाँ से सीखी? सर कोई गाइड सिखाने वाला नहीं है, बचपन से यहाँ पैदल रह रहे के यहाँ चाय का स्टॉल था। अच्छा, माता जी थी। जस्ट लाइक मोदी जी, यू आल्सो रोज फ्रॉम द चाय का स्टॉल। चाय स्टॉल, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए? प्रधानमंत्री बन गए हम ही। नहीं, तुम भी बनोगे, आगे जाओगे। बट गिफ्टेड नॉट नाउ, अगेन विद चांसेस वी हैव लॉट ऑफ ऑफर वाज कमिंग। ओके, बट वी वांट टू, वी कांट वांट टू वर्क सम कंपनी। माय पर्सनल वर्क इज ओके फॉर मी इन माय लाइफ। और कोई यार लैंग्वेज पॉलिश में बोल दो, दिखाओ यार पॉलिश। पॉलिश जंदोबरी मराठीयत ने करासी बा प्रदियत दसवेदानिया। दसवेदानिया इज रशियन, यार रशियन बोल जंदोबरी रविसेनिया इज द पॉलिश। दसवेदानिया इज रशियन। चाव अरीवी देरची इटालियन। दा मींस यस। ओके, रुद्रदास भैया बहुत दिनों से बोल रहे थे कि दादू कब आओगे, ग्वालियर कब आओगे, तो आज फाइनली चक्कर लग गया यहाँ पे। रुद्रदास भैया से मिले, बहुत टाइम पहले मिले थे। तो कालू भाई को कब से जानते? कालू भाई तो बहुत पहले जानते, जानते छोटे से जानते। कालू भाई को पूरा भारत जानता है। वही अभी अंकल बोल रहे हैं कि कालू भाई को पूरा भारत जानता है। वो भी कालू जिस कुन्ने में चले जाए उस कुन्ने में कालू को जानता है। वाह, साउथ के लेके कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी से लेके विशाखापट्टनम तक चलवा है भाई का। दिस वॉज टूडेज जर्नीज व्लॉग। ग्वालियर में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, और ये जो जगह है इसके लिए भी आपको लगभग एटलीस्ट एक दिन पूरा रुकना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके देख सकते हो। क्योंकि ये जो जगह है इसमें बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर हैं। सिंधियाज, मानसिंह, औरंगजेब सिटी है ये, तानसेन के लिए प्रसिद्ध है। जो आगरा और खजुराहो का बेल्ट है ये भी सिटी उसमें पड़ती है। आफ्टर आगरा धौलपुर पड़ता है, जो राजस्थान में पड़ता है। धौलपुर के बाद ग्वालियर आता है। इट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। सो डू चेक आउट ग्वालियर। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।